प्रियजनों, अगला टॉपिक है, अगला हेडिंग है इसमें, वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट, इन कंक्रीट। वाटर यूज्ड फॉर मेकिंग एंड क्योरिंग शैल बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम इंजूरियस अमाउंट ऑफ ऑयल्स। जो वाटर क्योरिंग और सेटिंग में यूज़ होता है कंक्रीट में, वो इंजूरियस मैटर जो है ऑयल, एसिड, एल्कली, साल्ट्स, शुगर्स और ऑर्गेनिक मटेरियल से फ्री होना चाहिए। पोटेबल वाटर, पीने वाला पानी, पोटेबल वाटर इज़ जनरली कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। पीने का पानी मिक्सिंग कंक्रीट मिक्स करने के लिए सुटेबल माना जाता है। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ सीमेंट, एन अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू अबाउट 25% ऑफ दैट सीमेंट बाय वेट इज नीडेड फॉर केमिकल रिएक्शन। सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए कंक्रीट में 25% वाटर उस सीमेंट के वेट के कंप्लीट समझा जाता है, हाइड्रेशन के लिए कंप्लीट समझा जाता है, और एडिशनल 10-15% इज एडेड टू प्रोवाइड मोबाइलिटी फॉर द वाटर इन द सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट में 10-12% एक्स्ट्रा वाटर उसकी वर्केबिलिटी या मोबिलिटी के लिए डाला जाता है। दैट दिस मेक्स ए टोटल मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 to 0.540 बाई वेट। दिस इसलिए 25% हाइड्रेशन के लिए और 10-12% मोबिलिटी के लिए जो वाटर को ऐड करने पर 0.35 to 0.40 के आसपास वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट में रखा जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट आर जनरली कंसिडरेबली लार्जर देन दिस मिनिमम टू प्रोवाइड द नेसेसरी वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स। एनी अमाउंट ऑफ वाटर अबव द 25% कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस पोर्स इन द सीमेंट पेस्ट। जो इससे एडिशनल वाटर है 0.35 or 0.40 से ज़्यादा वो पोर्स क्रिएट करता है कंक्रीट में। सिंस ओनली दिस सॉलिड द सॉलिड्स एंड नॉट द वाइड सिंस ओनली द सॉलिड्स एंड नॉट द वाइड्स रेजिस्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज डायरेक्टली एज द फ्रैक्शन of the total volume occupied by the solid in by the solids increases. Thus the strength of the cement paste decreases directly with the decreasing water cement ratio. इसलिए water cement ratio के increase होने पर concrete की strength decrease करती है। The chemical process provided involved in the setting and hardening liberates heat known as the heat of hydration। जो chemical process setting में और concrete के set होने में और hard होने में निकलती है, जो heat concrete के set होने में और hard होने में निकलती है उसे hydration कहते हैं, heat of hydration कहते हैं। In large concrete masses such as dams this heat gets dissipated very slowly and therefore there will be rise in temperature, consequently increase in large masses में यहाँ कंक्रीट यूज़ की जाती है जैसे डैम्स में, तो ये हीट जो डिसिपेट होती है वो स्लोली होती है और कंक्रीट टेम्परेचर राइज करती है, उठाती है, और कंक्रीट का वॉल्यूम इससे बढ़ जाता है। और सबसिक्वेंटली कूलिंग में
कूलिंग में कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्रैकिंग होती है टू अवॉइड द सेक्शंस क्रैकिंग एंड वीकनिंग स्पेशल मेजर मस्ट बी टेकन एंड लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट बी यूज। जो ये क्रैकिंग और क्रैकिंग और वीकनिंग रोकने के लिए जो लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की कंक्रीट यूज़ करनी चाहिए। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी